कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दो पालियों में होगी। इसके लिए 19 जिलों में 1282 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 11 अक्टूबर 2020 को होने वाली PCS 2020 और ACF RFO 2020 की प्री परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर भी विजिट करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। परीक्षा के लिए 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 148 और लखनऊ में 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि UPPSC PCS प्रीलिम्स परीक्षा में दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर 200-200 अंकों के होते हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 के बीच और दूसरी पाली यानी पेपर 2 की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। अभी हाल ही में आयोग की ओर से ये भी बताया गया था कि आजमगढ़ के एक परीक्षा केंद्र में संशोधन किया गया है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में जारी किया गया था। इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जिन 19 जिलों को सेंटर बनाया गया है, इनमें प्रारंभिक परीक्षा केंद्र आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी और मथुरा में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा देने वालों के लिए एडमिट कार्ड के साथ दो फोटोग्राफ, ओरिजिनल ID प्रूफ और इसकी फोटोकॉपी भी साथ लेना आवश्यक होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।